सब देश अपने दुश्मनों की पहले तो सही तौर पर पहचान करना चाहते हैं और फिर उनके बारे में सब खबर भी हासिल करना चाहते हैं ताकि पूरी तैयारी के साथ उनका सामना कर सकें। एक विश्वासी का सबसे बड़ा विरोधी शैतान और उसकी अंधेरे की ताकतें हैं। उसे चोरी करने, नष्ट करने, दोष लगाने वाले जैसे नाम दिया गया है और नाम किसी की पहचान और चरित्र का सूचक है। अगर हमें उसका सामना करना है तो ये भी जरूरी है कि हम उसके बारे में सब जान लें और आज यही हमारा विषय भी है। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत योहन्ना की अंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 10 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमेन। बहुत लोग ये मानते हैं कि शैतान लोगों का भ्रम है और उसे बस इग्नोर करो और उसकी चिंता में समय व्यर्थ ना करो। हमें उसके बारे में क्या और क्यों जान लेने की आवश्यकता है? दूसरा ग्रंथियों 2 अध्याय 11वीं आयत में पौलुस रसूल ने सब विश्वासियों को ये वार्निंग दे दी ताकि हमारे जो चलन है प्रभु यीशु के साथ वो ठीक रहे। वो कहते हैं किसी तरह हम शैतान की युक्तियों से उसके शिकंजे में ना फंस जाएं। ये हमारा सुपर नेचुरल एनिमी है जिसका बेसिक मकसद यही है हमारे जीवन को कंट्रोल करना, दुख के द्वारा और खुशियों के द्वारा भी, और फिर हमें अंधा कर देना और हम एक फिर फूलिश तरीके से, बेवकूफी के तरीके से उसके रास्तों पर चलने लग जाती हैं एंड वी बिकम मिजरेबल। हम उसके द्वारा अंधे कर दिए जाते हैं परमेश्वर के प्यार, अनुग्रह और दया की तरफ। हम उनके बच्चे हैं, उनका अनुग्रह हमारे पर बना हुआ है, लेकिन शैतान हमें उसमें भ्रम में डालना चाहता है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वीं आयत में पत्रस रसूल जो के शैतान के हाथों ये सब तकलीफें सह चुके थे, उन्होंने कहा सोबर और विजिलेंट रहो, क्योंकि जो हमारा एडवर्सरी जो शैतान है वो एक भूखे शेर की तरह घूमता है कि किसे वो पकड़ फाड़ खाए। शैतान की आइडेंटिटी उसने दी है एडवर्सरी, जिसका जहां ग्रीक शब्द है एंटीडाइकोस। एंटीडाइकोस का मतलब है एक्यूजर, जो के लांछन लगाता है, फॉर्मल चार्ज लगाता है, ऐसे नहीं कि बोल के भाग गया, और उसके लिए हमें वो पेनल्टी दिलवाना चाहता है परमेश्वर के न्याय के सामने, और इस प्रकार हर विश्वासी को वो उस परेशानी में डालना चाहता है। अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय 9वीं आयत से इसका एक एग्जाम्पल है, जो फॉल्स एक्विजेशन, जो गलत वो एक्विजेशन लगाता है, वो अय्यूब के बारे में परमेश्वर से कहता है, क्या अय्यूब आपसे ऐसे ही प्यार करता है? क्या आपने उसे सुरक्षा नहीं दी, उसके चारों तरफ बाड़ा नहीं लगाया है, उसकी हर चीज को अपनी आशीष नहीं दी है? जो ही आप अपना हाथ उठा उससे हटाओगे तो आपके मुंह पर वो आपको श्रापित कर देगा। इस प्रकार की जो एक्विजेशन हैं वो स्वर्ग में जो कोर्ट परमेश्वर के सिंहासन के सामने लगाता है वो, और हम प्रोटेक्टेड हैं, हम सुरक्षित हैं इसमें, हर हर विश्वासी को। क्योंकि तो 1 योहन्ना 2 अध्याय 1वीं आयत में योहन्ना रसूल कहते हैं कि पिता के सामने हमारा एक सहायक है यीशु मसीह, जो धर्मी है, राइटियस जीसस क्राइस्ट। लेकिन पत्रस रसूल की जो दूसरी वार्निंग है वो ये है कि शैतान हमें किस प्रकार खा ले और इस प्रकार हमें वो नष्ट करना चाहता है। उसके जो ट्रिक्स हैं शैतान के, जानबूझकर उसमें कोई भी नहीं फंसता है, लेकिन क्योंकि वो धोखे से फंसाता है तो लोग फंस जाते हैं। जब तक हम उसके तरीकों को नहीं जानते हैं तब तक हम उसके उन शिकंजों में फंसते ही रहते हैं और हम फिर दुख उठाते हैं। उसकी एक ही स्ट्रेटजी, उसका एक ही तरीका है जो बार बार वो इस्तेमाल करता है। अदन बाग में उसने एक पर वही इस्तेमाल किया था, प्रभु यीशु पर, हम सब पर वही करता है वो। सबसे पहला है परमेश्वर के वचन के बारे में शक पैदा करना। उत्पत्ति 3 अध्याय में वो पहली ही आयत में ईव से कहता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? वो ये कहना चाहता है परमेश्वर ऐसी बातें कह ही नहीं सकती है, तो तुम ऐसे तुमने सुन लिया है कि तुमने समझा ही नहीं है। मत्ती 4 की 3री आयत में
इसी प्रकार वो प्रभु यीशु से पूछता है, अगर आप परमेश्वर के पुत्र हो। जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ तो उसने पिता परमेश्वर की वो आवाज सुन ली थी कि ये मेरा प्यारा पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। उसे पता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन फिर भी वो उनके मन में ये सवाल डालना चाहता है। दूसरा है परमेश्वर के अनुग्रह में शक करना। वो जो ईव से पूछता है, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम इस आदन बाग के हर पेड़ का फल मत खाना। इज़ेकियल नबी की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसकी 13 आयत, इज़ेकियल नबी की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 13वीं आयत में शैतान के बारे में लिखा गया है कि तू परमेश्वर के बाग में, आदन बाग में था और वो सब कुछ जो बातें हुई उसका विटनेस था, उसने सब देखा है वहां पर, और जो परमेश्वर ने आदम को बोला वो भी उसे पता था। क्योंकि उत्पत्ति 2:16 में परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, बगैर किसी चिंता के सब फल तू खा सकता है, सिर्फ एक ही फल वर्जित था। और तीसरा है शैतान की जो युक्ति है कि परमेश्वर के वचन को ही झूठा कर देना, उसे नीचा करने की कोशिश करना। उत्पत्ति 3:4 आयत में वो ईव को जो परमेश्वर ने कहा था कि तुम खाओगे तो मर जाओगे, वो बिल्कुल ब्रेजन ले ये कह देता है कि तुम निश्चय ना मरोगे, मरोगे नहीं तुम। और चौथा है वो परमेश्वर के बात को ही मोटिव देने लग जाता है, परमेश्वर का कोई मतलब है जिस कारण उन्होंने ये कहा है, उल्टा मतलब है। फिर वो कहता है क्योंकि 5वीं आयत में परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के वचन को ही उसने नीचे कर दिया, झूठा कर देता है वो। परमेश्वर ने इंसान को अपने अक्सर रूप में बनाया तो उनके गुण, परमेश्वर के गुण उनमें थे, और उनकी आंखें खुलने के बाद में उन्हें परमेश्वर के बराबर तो होना ही नहीं था, वो पहले ही परमेश्वर के अक्स में बनाए गए थे। शैतान ईव को ये दिखाना चाहता है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम अपनी फुल पोटेंशियल जो तुम्हारी, जो तुम कर सकते हो उस तक पहुंचे। वो नहीं चाहते हैं परमेश्वर। शैतान इसी के ऊपर शरीर में गलत तरह की इच्छाएं पैदा करने लग जाता है जो कि परमेश्वर की जो आशीषें उससे बाहर हैं, और फिर हम ईगो सेटिस्फेक्शन में आ जाते हैं और परमेश्वर को ही टेस्ट करने के लिए, उनकी बातों को टेस्ट करने के लिए शुरू हो जाते हैं, जो उन्होंने कहा है उससे बाहर निकल, उनके डोमिनियन, उनके कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं और शैतान के अधिकार में चले जाते हैं। और यही ट्रिक वो सदा के लिए हमेशा सबके साथ करता है। पक्षियों के पुस्तक 2:2 में पॉलस रसूल शैतान को प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर कहते हैं। वो आत्मा जो परमेश्वर की आज्ञा से बाहर चलते उनमें काम करती है, वो आकाश का उसे राजकुमार कहते हैं। वो एक आत्मा है और वो दुनिया के सिस्टम उनके ऊपर राज्य करता है, उनके ऊपर पूरी तरह कब्जा करके नहीं, किसी लोगों में घुसकर नहीं, बल्कि जो पूरा कंट्रोल करते उनके विचारों को, उनकी इच्छाओं को और उनके जो एक्शन आगे होने उनको कंट्रोल करने लग जाता है। उसे हर एक आदमी को पकड़ने की जरूरत नहीं है, जो आगे ऊपर जो प्रधान है उनको पकड़ लेता है वो। और बहुत लोग स्पेशली जो प्रभु यीशु को मुक्तिदाता नहीं मानते हैं वो फिर इसमें फंस जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:4 में उसे इस धरती का, इस युग का राजकुमार कहा जाता है, और वो जो विश्वास नहीं करते उनकी मनों की, उनकी मन की आंखों को अंधा कर देते हैं ताकि वो परमेश्वर से दूर हो जाए। जो इंसान की जो फ्रीडम दी थी परमेश्वर ने, वो इस प्रकार ये जो अंधेरे की ताकतें हैं इन्होंने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया है, और फिर वो सारी इंसानियत शैतान के कंट्रोल में चली गई। प्रिंस ऑफ द एयर जो उसे कहा गया, आकाश का राजकुमार कहा गया है, उसे ये भी माना जाता है कि जो शैतानी ताकतें हैं ये जो स्वर्ग से नीचे का जो आकाश का जगह है यहाँ पर ये है, धरती से ऊपर है। इस प्रकार शैतान जो हवा है जो हम सांस लेते हैं इसको इस्तेमाल करता है बीमारियां फैलाने के लिए, जो एयर वेव्स हैं उसके द्वारा झूठ फैलाता है और गलत आइडिया डालता है लोगों के मनों में,
एयर वेव जो कि हवा में ये साउंड वेव, एयर वेव चलती हैं, इंटरनेट वगैरह, टेलीविजन, जितने भी ये मीन हैं उन सबको वो इस्तेमाल करता है, जो कि हम देख भी सकते हैं कितनी गंदगी आ रही है इंटरनेट के द्वारा। तो ये सब उसका काम है। इंसान पूरी तरह से फ्री नहीं है, लेकिन वो चारों तरफ से घिरा हुआ है इन अंधेरे की ताकतों से और बुराई की ताकतों से घिरा हुआ है। और सबसे बड़ा और सबसे जो सक्सेसफुल उसका वेपन है वो ये झूठ है शैतान का कि शैतान तो है ही नहीं। लोग ये कहते हैं शैतान कुछ नहीं है तो लोगों की इमेजिनेशन है, और सबसे बड़ा झूठ उसका वो है, और जो उसको मानते हैं वो फंस जाते हैं। उसे राजकुमार कहा गया, प्रिंस कहा गया है, क्योंकि एक ही है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु, जो के महिमामय स्थान में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं। उनके पास पूरा अधिकार है हर चीज पर, स्वर्ग में, धरती पर और धरती के नीचे, हर चीज पर उनके पास अधिकार है। और इसलिए जो विश्वासी हम हैं, हमें शैतान से डरने की बात नहीं है, हम उसकी युक्तियों को समझें, उसके कामों को जानें, और फिर हम उसका प्रभु यीशु के नाम में, उनके बल अधिकार में पूरी तरह से डटकर सामना कर सकते हैं। शैतान जैसे शक्तिशाली दुश्मन का सामना करने का बेस्ट तरीका क्या है जो हम अपना कर जीत में चल सकें? प्रभु यीशु के भाई संत याकूब, जो के यरूशलेम चर्च के पहले चर्च के प्रधान भी थे, उन्होंने हमें याकूब की पत्री 4:7 में इसका उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा शैतान का सामना करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और क्योंकि शैतान ढूंढता है किसे वो फाड़ खाए, इसका मतलब हर एक को वो नहीं पकड़ सकता, जो उसका सामना करे वो उसे भागता है। और प्रकाशित वाक्य 12:11 में, कौन कौन है जिन्होंने जीता उसे और कैसे उसको जीता है, जिन्होंने शैतान पर जय पाई है उसके बारे में लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। उन्होंने प्रभु यीशु के वो जो उन्होंने लहू बहाया शरीर के ऊपर, और उनके जो वचन की गवाही है उसके ऊपर उन्होंने उसके कारण जय पी। जो अपने आप को सच्चाई में, वचन में अपने आप को ढक लेते हैं, छुपा लेते हैं, वो प्रभु यीशु के नाम में, फिर उनके लहू के नाम में, डर में नहीं बल्कि जय में चलते हैं। और शैतान को फ्री हैंड नहीं दिया गया कि जो मर्जी उसका करे वो कर सकता है, नहीं, परमेश्वर ने उसकी बाउंड्रीज बांध दी होती हैं, हर एक जगह पर उसकी बाउंड्री बंधी हुई है। पहले उसे परमेश्वर से परमिशन लेनी पड़ती है। साइमन पत्रस, प्रभु यीशु ने उनके लिए प्रार्थना की, क्योंकि शैतान ने पत्रस रसूल को भी लूका 22:31 के अनुसार उसे घुन की तरफ दुनने के लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन वो यहूदा इस्करियोती की तरह उन्हें अलग नहीं कर सका। अफसियों की पुस्तक 6:12 में पौलुस रसूल, जो के अद्भुत तरीके से फाइटर हैं, जिन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी, और फिर वो पहचान कराते हैं किसके साथ हमारी लड़ाई हो रही है। वो कहते हैं हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, और हमारी जो ये लड़ाई है ये है प्रधानों से, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकमों से, स्पिरिचुअल हॉर्स ऑफ विकेडनेस इन दी हेवनली प्लेसेस, जो कि दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो आकाश में हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई है, जिन्होंने अपने आप को प्रधानों और प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स में ऑर्गेनाइज कर रखा है, और फिर वो स्पिरिचुअल रियम से हमें वो कंट्रोल करते हैं हर चीज के ऊपर। इस प्रकार जो लड़ाई है ये आत्मिक है, और इसका जो हथियार है वो भी आत्मिक ही होगा। परमेश्वर ने इसे पहला तिमोथियस पहले अध्याय की 18 में इसे अच्छी लड़ाई कह दिया है, फिर उन्होंने इसे पहला तिमोथियस 6:12 में अच्छी कुश्ती कहा है। इसलिए नहीं कि हम इसमें मर जाते हैं, बल्कि इसलिए कि इसके द्वारा हमारे विश्वास की जांच होती है, और हमें परखा जाता है, और हमें पवित्र किया जाता है। पत्रस पहला अध्याय 7 में, ये लड़ाई हमें फिर शुद्ध करती है। पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 7 के अनुसार है कि ये परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है,
और प्रभु यीशु के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा का आदर का कारण ठहरे। ये हमारे लिए लड़ाई है ताकि हम सोने की तरह से रिफाइन हो जाएं, पवित्र हो जाएं, और फिर हमारा प्रभु यीशु के उनके आदर महिमा के लिए हम काम करते रहें। उनके लिए हमें चुना गया है। और सबसे जो हमारा पोटेंट शक्तिशाली हथियार है अफसियों के पुस्तक 6:17-18 में, वो है आत्मा की तलवार जो के परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और फिर कह दिया गया, पौलुस रसूल ने कहा कि उसके साथ साथ प्रार्थना में भी लगे रहो और हर प्रार्थना की विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए ही परमेश्वर की इच्छा भी है। प्रार्थना में भी लगो और ये हथियार भी वचन का इस्तेमाल करो। भजन संहिता 144 की पहली आयत में कहा गया है, धन्य है यहोवा, ये राजा दाऊद कहते हैं, जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर की लड़ाई है, हम उसके सोल्जर हैं, वो हमें तैयार करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हर विश्वासी को तैयार करते हैं। जो शैतान के हथियार हैं हमारे सामने और उनका हम सामना कैसे करते हैं, हम वो दोनों इकट्ठे देखते हैं। पहला है योहना 8:44 के अनुसार प्रभु यीशु कहते हैं वो झूठा है और झूठ का पिता है। और फिर हम अपने मुक्तिदाता की तरह सच्चाई का इस्तेमाल करते हैं, वचन जो परमेश्वर का है, ताकि हम उनकी जो शैतान के ट्रायल टेम्पटेशन जो हमारे सामने लाता है उसमें हम वचन के अनुसार जीत में चलते रहें। उसने ईव को झूठ के द्वारा परमेश्वर के वचन पर शक डालकर उसने उसको टेस्ट किया, और प्रभु यीशु को भी इसी प्रकार उसने वचन मिसकोड करके कोशिश किया। दूसरा है वो अविश्वासियों के मनों को अंधा कर देता है, 2 कुरिन्थियों 4:34 में। और फिर उन्हें वो परमेश्वर की वचन की सच्चाई की रोशनी देखने नहीं देता है, और इस प्रकार वो झूठ बोलता है और सच्चाई को उनसे छिपाता है, ताकि वो उस अद्भुत खजाने को, उस जो वचन के अंदर फैक्ट्स हैं, प्रूफ हैं, उन्हें देख ना सके। जितना वो कोशिश करता है रोकने के लिए, उतना ही हमें वचन को मनन करना है, पढ़ना है और वचन के अनुसार जीना है, ताकि हम उसे हरा सकें। तीसरा है वो 2 कुरिन्थियों 11:14 के अनुसार वो अपने आप को एंजल ऑफ लाइट बना लेता है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बन जाता है, और उसके जो एजेंट हैं वो भी झूठे अपोसल बन जाते हैं, गलत बातें सिखाने लग जाते हैं। 1 तिमोथियों 4:1 में डॉक्ट्रिन्स ऑफ डीमंस, वो उस तरह की बातें सिखाने लग जाते हैं जो कि उल्टी हैं, जो वचन के अनुसार नहीं है। प्रेरितों के पुस्तक 17:11 में पौलुस रसूल बेरिया में थे, और वहां पर जैसे उनका वो तरीका था वहां पर वो सिनेगॉग में प्रीच कर रहे थे, तो जो बेरिया के लोग थे, 17:11 के अनुसार, वो हर दिन लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहते कि ये बातें यों ही हैं कि नहीं। वो वचन से टेस्ट करते थे जो भी प्रीच किया जाता था, पौलुस रसूल की बात को भी वो टेस्ट करते थे। हमें भी इसी प्रकार ध्यान से सब बातों को सुनना है, उसे टेस्ट करना वचन के अनुसार है। 7:15 के अनुसार प्रभु यीशु कहते हैं ये शीप की खाल में भेड़िए हैं, हमें बच के रहना है। 2 तिस्सलुनीकियों 2:9 में शैतान और उसके जो एजेंट हैं वो अद्भुत तरह के चिन्ह चमत्कार और झूठे वंडर्स भी करेंगे। 24:24 में प्रभु यीशु ने भी हमें झूठे प्रॉफिट्स और झूठे मसीह के बारे में भी उन्होंने हमें वार्निंग दी, जो कि तरह तरह के अद्भुत साइन और चमत्कार करेंगे और जो चुने हैं लोग उन्हें भी भ्रम में डाल देंगे। और जो भी वचन कोई प्रीचर कहता है और उसके हर काम को हमें वचन के अनुसार कोरिलेट करना है, ताकि वो सच्चा अगर है तभी उसको माने हम। 5वां है वो शैतान अनसक्सेसफुली प्रभु यीशु को भी भ्रम में डालने की कोशिश की उसने, और लेकिन वो सक्सीड कर गया जूडा यहूदा इस्करियोती में। प्रभु यीशु के सामने तो उसने हारना ही था। पौलुस रसूल हमें 2 कुरिन्थियों 11:3 में वार्निंग देते हैं कि जिस प्रकार उसने ईव को धोखे से भ्रम में डाल दिया, हम उस प्रकार फंस ना कहीं जाएं।
यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय 8वीं आयत में परमेश्वर ने यहोशू को वार्निंग दी कि तुम वचन के ऊपर अपना मन लगाए रहो, दिन रात इस पर ही मनन करो और इसके हर वचन को मानो, ताकि तुम्हारा हर रास्ता सफल हो और तुम अद्भुत तरीके से सक्सेसफुल रहो। छठा है, शैतान लोगों के मनों में से वचन का जो बीज है उसे निकाल लेता है और विश्वास को नष्ट कर देता है। मार्कुस 14:4-15 आयत में प्रभु यीशु ने जो पैराबल ऑफ सोअर जो उसके बारे में बताते हैं, बीज बोने वाले के बारे में, वो कहते हैं जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है और जिस प्रकार जो रास्ते पर बोया गया वो शैतान उनके मनों में से उसे एकदम निकाल ले जाता है। रोमियों की पुस्तक 10:17 आयत के अनुसार विश्वास जो के वचन के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा आता है, फिर वो बनता ही नहीं है। हम इस प्रकार विश्वास में वचन के अनुसार चलते जाएं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 आयत में एक दूसरे को एनकरेज करते जाएं। सातवां है, शैतान बीमारियां और कमजोरियां लाता है कई जगह पर। हर बीमारी उसके द्वारा नहीं है। लूका 13:11-16 तक प्रभु यीशु ने जो वो कोबड़ी औरत थी उसका उन्होंने बीमारी कमजोरी का कारण बता दिया। स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी है, कमजोरी की स्पिरिट है इसमें, जैसे कि शैतान ने 18 साल से उस औरत को बांध रखा था। कुलुसियों के पुस्तक 1:13-14 आयत में आप पिता परमेश्वर ने हमें उस अंधेरे की ताकतों से निकालकर अपने पुत्र के प्यार और उसके राज्य में पहुंचा दिया है, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिली है, उसके लहू के द्वारा हमें मुक्ति मिली और पापों की माफी भी मिली है। हम इस बात को भूले नहीं, शैतान कुछ मर्जी कहता रहे। याकूब 5:14-15 आयत में याकूब रसूल ने भी हमें यही आज्ञा दी कि जो बीमार है उनके ऊपर जाकर प्रार्थना करो और उन्हें तेल के द्वारा उनकी अनॉइंटिंग करो, क्योंकि जो प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाओं में असर है और उन्हें छुड़ाया जा सकता है। शैतान और दुष्ट आत्माएं उनकी आखिर का जो स्टेट है उसके बारे में बिल्कुल जानती हैं। मत्ती 8:29 में जो लीजन थी वो गदारा के उस आदमी के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी 6,000 से ऊपर, प्रभु यीशु को देखकर वो एकदम कह उठी कि परमेश्वर के पुत्र यीशु, हमें तुमसे क्या लेना, क्या आप हमें समय से पहले ही कष्ट देने के लिए आ गए हैं। शैतान भी परमेश्वर की अथॉरिटी को सबमिट करता है, उसके अधीन है, हालांकि वो वचन के डिफाइंस में है, उनके खिलाफ है, लेकिन वो बाउंड्री नहीं क्रॉस कर सकता है। याकूब के केस में बाउंड्री बांधी गई थी, उसे वो क्रॉस नहीं कर सका। राजा दाऊद तरह तरह की अपोजिशन सहता है, राजा बनकर भी और उस राजा बनने से पहले भी और बाद में भी। बने संहिता 62:65 आयत में फिर भी वो अपने आप को कहता है, अपने आप को एनकरेज करता है, अपने आप को प्रीच करता है। वो कहता है, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा, मैं डरूंगा नहीं, वो कहता है। हम भी उसी प्रकार परमेश्वर के वचन के अनुसार हर वक्त अपने आप को एनकरेज करते रहें, जहां पर भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, अपने आप को एनकरेज करें, ताकि फिर हम कमजोरी में नहीं बल्कि वचन के बल में शैतान का सामना करते रहें। ऐसे युद्ध से हम बचे कैसे रह सकते हैं, या फिर इन दुष्ट आत्माओं का बलपूर्वक सामना कैसे हम कर सकते हैं? इस दुनिया में कोई न्यूट्रल जोन नहीं है, या तो हम परमेश्वर के साथ उनके लिए हैं या फिर दुष्टता की ताकतों के साथ हैं। जब हम प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मानकर उनके अधीन हो जाते हैं तो शैतानी ताकतें हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं, ताकि हमें विश्वास से दूर कर सकें और हमारी जो प्रभु यीशु के साथ जो चलन है उसमें बाधाएं डालती हैं। और हम लेकिन विश्वासी होने के कारण स्वर्गीय प्रोटेक्शन में हैं, और लेकिन हम एक सोल्जर हैं, एक लड़ाई चल रही है। अफसियों के पुस्तक 4:27 आयत में जो हमारा जो फाइनल वॉक है उस विक्ट्री जीत के बारे में कहा है कि शैतान को किसी भी तरह से कोई अपॉर्चुनिटी मत दो। उसका काम है परमेश्वर के परिवार के लोगों को झूठी बातें फैलाकर एक दूसरे से दूर करना, परमेश्वर से दूर करना, उनमें दुष्ट एक बुराई के बीज डाल देना, ताकि उनकी जो टेस्टिमनी उसमें फर्क पड़ जाए।
जब हम एक दूसरे में और परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर में विश्वास है तो हम एक दूसरे के साथ भी पूरी तरह ठीक चलते हैं और उसकी सब स्कीम फेल हो जाते हैं। किसी ने एक बार मुझसे ये बहुत बार कॉल आती है कि मुझे कर्जा चढ़ गया, मुझे इससे निकालने में सहायता करो, शैतान ने मुझे ये कर्जा चढ़ा दिया है। शैतान रॉन्ग रॉन्ग चॉइसेस देता है, लेकिन डिसीजन हमें लेना होता है। जब हम अपने मेन से बाहर चले जाते हैं तब हम कर्जे में जाते हैं, कोई इसमें अफ्लिक्शन की बात नहीं आती है। उत्तर है कि हम अपने आप को कंट्रोल करें, कर्जों को कंट्रोल करें और फिर पवित्र आत्मा की सहायता मांगें ताकि हमारे लिए कोई नए रास्ते भी खुल जाए। शैतान एक पावरफुल दुश्मन है, लेकिन हम इस बात में भी आश्वासित हैं जो प्रभु यीशु ने कहा है कि उन्होंने योहन्ना 16:33 में कि मैंने संसार को जीत लिया है। जो ग्रीक भाषा का शब्द है थलिप्सिस है यहाँ पर, जिसका मतलब है इंटेंस डिस्ट्रेस, इंटेंस ट्रबल है, बहुत घनी तकलीफ, उसको उन्होंने जीत लिया है। प्रभु यीशु फिर हमें कहते हैं ढाढ़स बांध, बी ऑफ गुड चेयर, इसका मतलब है एक हार्ट, करेजियस रहो, डरो मत। और ये अंदर से बल पाने के बारे में है। जो ग्रीक भाषा का शब्द है निकाओ, इसका मतलब है ओवरकम, जय पाना, विक्ट्री, विक्टोरियस हो जाना। नाइकी जो जूतों की कंपनी है उसी ने इसी को इस्तेमाल किया है, विक्ट्री डिफाइन करते हैं जो भी उनके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि एक बार विक्ट्री, प्रभु यीशु ने एक बार जीत हासिल कर ली है, ये कॉन्टिन्यूस अनइंटरप्टेड विक्ट्री है। प्रभु यीशु एक्चुअली ये कहते हैं मैंने जय पाली है, मैं जय पा रहा हूं और मैं सदा जय पाता ही रहूंगा, मैं बंद नहीं कर दूंगा। उनमें ये बल है, उनमें अधिकार है कि वो हर तरह की ट्रिबुलेशंस पर, सफरिंग पर जय पाए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हारी ट्रिबुलेशन, तुम्हारी जो दुष्ट तकलीफ है उन पर जय पाई। उन्होंने कहा मैं दुनिया पर जय पा ली है, जहां से आपको तकलीफें आ रही मैंने उन पर जय पा ली है, अब तुम उस जय में इनका सामना करो। रोमियों के पुस्तक 8:28 में पौलुस रसूल कहते हैं जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, हर चीज उनके लिए भलाई ही उत्पन्न करती है। पर्पस ऑफ गॉड क्या है, जो कि उन्हें पर्पस ऑफ गॉड के कारण बुलाया गया है। पर्पस ऑफ गॉड हर विश्वासी के लिए है कि उसे बहुतायत का जीवन मिले, बहुतायत में जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन। जीवन क्या है, जीवन है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, उनके साथ एक नजदीकी रिश्ता। और दूसरा है जो उनके पुत्र के साथ मिले हुए हैं, उनकी अधीनगी में हैं। और जब हम उनके साथ पर जुड़ जाते हैं जहां पर वो हैं, योहन्ना 17:24 के अनुसार, उस महिमा में फिर हम भी जाने की अधिकार पा लेते हैं। हम उस हर तरह से शैतान के जो भी विचार डर के हैं या हमारे कमजोरी पर लेके आने की कोशिश करता है, तो फिर वो सब पर हम जय पर चलते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु योहन्ना 3:8 के अनुसार शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आए। और उन्होंने कुलोसियों 2:15 के अनुसार हर तरह की प्रधानताओं का खुल्लम खुल्ला उन्होंने मखौल बना दिया स्लीव के ऊपर। हम उस जीत में खड़े हैं, हम किसी कमजोरी में नहीं हैं। जब हम इस विश्वास में चलते हैं तो शैतान हमारे ऊपर किसी भी तरह से हावी नहीं हो सकता है। मार्कुस 3:27 में प्रभु यीशु ने कहा कोई भी किसी बलवान के घर को लूट नहीं सकता जब तक कि उसको बांध ना ले। शैतान हमें बांधता है जब हम उसकी कमजोरियों उसकी बातों में आ जाते हैं। हम उसकी बातों में ना आए, प्रभु यीशु पर विश्वास रखकर चलें, तो हमारे सामने वो बिल्कुल निकम्मा है, अधिकार उसका खत्म हो जाता है। हम इस प्रकार जब चलते हैं तो शैतान का सामना करते हुए सबल होते चलते हैं और वो हमसे भागता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दिए हैं, हमारे भीतर हमें शक्ति, प्यार और आत्मसंयम से भरते हुए। और फिर जब हम उस प्रकार उनकी रोशनी में चलते हैं, उनकी अगुवाई में चलते हैं, क्योंकि वो हमें हर चीज सिखाते हैं और वचन की बातें सिखाते हैं, प्रभु यीशु के वचनों को स्मरण कराते हैं, तो फिर हम हर तरह से जीत में ही बने रहते हैं, क्योंकि हम बल पाए हुए लोग हैं। प्रभु यीशु ने हमें बल दे दिया है, उन्होंने शैतान का सर कुचल दिया है, उसका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, ना ही वो हमारे ऊपर कोई अधिकार जमा सकता है। इसलिए पिता परमेश्वर,
जितने लोग हम इस प्रोग्राम में प्रभु यीशु के नाम में जुड़े हुए हैं, हम सबको बल और शक्ति से भर दीजिए, ताकि हम हर कदम पर पवित्रता और सच्चाई में चलते हुए किसी भी तरह से शैतान को अपने जीवन में दखलंदाजी ना करने दें। सुरक्षा आपने हमें दे रखी है, उसके लिए धन्यवाद है पिता परमेश्वर। सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। वचन के अनुसार प्रभु यीशु में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, जब तक कि हम विश्वास में उनके छुटकारे के नाम की गवाही में बने रहते हैं। परमेश्वर की आत्मा जो हमारे अंदर है, उन सब से कहीं अधिक बलवंत है जो अंधेरी की ताकतें हमारे चारों ओर हैं। बस हम अपने मन में इसी विश्वास का अंगीकार करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।